दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी स्विगी। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की जांच शुरू कर दी गई है, वहीं हेल्पलाइन नंबरों को तत्काल प्रभाव से करें प्रसारित। एसडीएम सदर के नेतृत्व में प्राचीन सुमेर सागर ताल को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए दूसरे दिन भी की गई कार्रवाई। कोरोना वायरस से बचने के लिए पुलिस लाइन सभागार में क्षेत्रीय अधिकारी कैंट की अध्यक्षता में की गई जागरूकता बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सुमेर सागर ताल में भू माफियाओं द्वारा रजिस्ट्री कराए काश्तकारों के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने की बैठक। अकीदतमंदों ने हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बाले मियां का धूमधाम से मनाया लग्न अदायगी का रस्म। ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में सरकार से की गई पेंशन रिवीजन व मेडिकल सुविधा की मांग। पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के जनक व बहुजनों के मसीहा मान्यवर काशीराम के 86वीं जन्मदिवस को मनाया। अफ्रीका के 5,895 मीटर ऊंचे किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराने के लिए गोरखपुर के युवा पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह अप्रैल में करेंगे कूच। शॉर्ट सर्किट से कार बनी आग का गोला। और प्रथम कादरी गोल्ड 7A साइड सीनियर व सब जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में सब जूनियर वर्ग से गोरखपुर और सीनियर वर्ग से कादरी क्लब ने बनाई जगह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में बेड आरक्षित कर विशेष वार्ड बना दिए जाएं। अब कोरोना वायरस की जाँच गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भी शुरू कर दी गई है, जिससे विदेश से लौटे नागरिकों की लगातार निगरानी की जा सके। साथ ही इस रोग से निपटने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, तत्काल प्रभाव से उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों और जरूरी जगहों पर प्रसारित करें। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट हो चुके हैं, हमारे प्रदेश में सर अभी तक 13 मामले आए हैं। 13 में से 8 मामले आगरा के हैं सर, 2 है सर वो हम लोग इसमें सहयोग करें। प्राइम मिनिस्टर इसमें आप प्रमोशन के स्वास्थ्य देश के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, मैं प्रारंभ दे सकता हूँ। आप बताइए, आप प्रारंभ करें। जी सर, नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आप नमस्कार सर, झांसी से बोल रहा हूँ सर, अभी मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य। आज सर आरोग्य मेले में उसमें एक ग्रुप कॉर्नर बनाना अनिवार्य है। जो भी रोगी के रक्षा वाले लोग आएंगे उनको एक अलग कॉर्नर में लाना होगा, वहाँ देखना होगा, ताकि जो बाकी लोग किसी और भी आ रहे हैं उनको डाले। सर उसमें ये भी अधिकार दे दिया गया कि अगर जो क्वारंटाइन करना है उनको, अगर क्वारंटाइन करने में कोई सहयोग नहीं करता है, जैसे आगरा में प्राचीन सुमेर सागर ताल की जमीनों पर अवैध रूप से मकान बनाकर रहने वाले कब्जेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तहसील व लेखपाल कर्मियों के साथ ही स्थानीय पुलिस चौकी के जवानों के साथ टीम को मुस्तैद रखा। इस मौके पर सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, नायब तहसीलदार पिपराज सुमित सिंह, कानून गो लेखपाल अमीन तथा पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। नहीं,
खाने पीने और जरूरी सामान लेकर के बाहर आ जाए, जो लोग भी हो बाहर आ जाए, और फालतू लोग यहाँ भी अगर पाए गए तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, जिसमें हमने देखा ताल सुमेर सागर है, क्योंकि पूरा का पूरा ताल की ज़मीन है और इस पर अवैध रूप से बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सबसे पहले एक महीने से हमने इसके जो अभिलेखागार में विभिन्न तरीके के जिल्द बंदोबस्त के कागज़ थे वो हमने देखे, काफ़ी हमने होमवर्क किया, उसके बाद हमने कल यहाँ से हमने कार्रवाई स्टार्ट की है। जल गोलघर के आसपास और शहर का मुख्य मतलब हार्ट ऑफ द सिटी में जो जगह है, आसपास जो जल भराव की समस्या रहती है बारिश के दौरान, हमारे लाखों जो शहरवासी हैं उनको बारिश के पानी के जल भराव की समस्या सहन करना पड़ता है। उस सब के पीछे ये है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी, जो ताल है, उस सबको अवैध रूप से लोगों ने पाट लिया है। तो उसी क्रम में, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट सबके निर्देश हैं, जो भी ताल की ज़मीन है उसको हमें खाली कराना है, ताकि जल जमाव और संक्रामक रोगों की जो फैलते हैं वो सबको रोकथाम उस पर हो, और ऐसी ज़मीन को प्रोटेक्ट करके एक सही दिशा दे सकें। एनजीटी की भी टाइम पे गाइडलाइन आती रहती हैं, तो हमने पिछले एक महीने से इस पर काम चल रहा है। हमारे लेखपाल कानूनों की टीम लगातार इस पर बनाए हुए, नायब तहसीलदार सब लोग यहाँ पर आके सब लोगों को सूचित भी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि कल जब ऑपरेशन चला तो बहुत सारे लोग जो अवैध रूप से रह रहे थे वो रात ही रात अपना सामान लेके अब सब भाग गए। तो ये अपने आप में इंगित करता है कि इस ज़मीन पे यहाँ पर कई सारे ऐसे अवैध रूप से लोग भी रह रहे थे और कई ऐसे गोरख धंधों को भी अंजाम दिया जा रहा था, जिससे शहर की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। मकानों के संदर्भ में अपने सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिए, तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि पहले उन डॉक्यूमेंट्स का उनका वेरिफिकेशन करवा लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि उन लोगों ने बड़ा गलत किया है। यहाँ पर जो मकान बनाए हैं वो जाएंगे, बट चूंकि रिहायशी मकान है, अभी वहाँ पे फैमिली भी रह रही हैं, तो एक बार उनको हमने ये आश्वासन दिया है कि एक बार उनको संतुष्ट करेंगे कि आपका मकान क्यों गलत है, सारे कागजात उनको दिखाएंगे और 7 दिन के अंदर उनको भी या तो स्वतः हटा लेंगे, नहीं तो अगर नहीं हटाया गया तो उनको भी हम हटाएंगे। सर, जो जिन्होंने ज़मीन बेची है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? हाँ, इसमें पूरी तहकीकात हो रही है, इसमें पूरे हम पूरी तह तक जाएंगे कि इसमें कौन कौन लोग सक्रिय हैं और किस लोगों ने ये ज़मीन खरीदी, किन लोगों को बेची, क्योंकि इस ज़मीन का हस्तांतरण कई बार हुआ है, क्योंकि ऐसी ज़मीन होती है और जो लोग हैं यहाँ पे उनको बसाया जाता है। कई जैसे कल हम जब यहाँ पे शाम को ऑपरेशन किया तो हमने लोगों से पूछताछ की, तो संज्ञान में आया कि कई सारे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनको किराए पे लोगों को यहाँ पे किराए दे के उनको बसाया गया है, उनसे महीना में और हफ्ता वसूली करते हैं ये लोग। पुलिस लाइन सभागार कोरोना वायरस से बचाव हेतु क्षेत्र अधिकारी कैंट के अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें पुलिस लाइन के डॉक्टर मुकेश ने विस्तारपूर्वक लाइन के कर्मचारियों को बताया कि इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यही वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। वहीं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का प्रयोग अवश्य करें। बैठक में आरआई उमेश दुबे, एसआई रमेश सिंह सहित लाइन के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। बचाव के बारे में ही सबसे ज्यादा कंसर्न है, वायरस का कोई इलाज नहीं है ना। अब यह है कि जिसके मान लीजिए संक्रमित हो भी गया, लेकिन अगर उससे प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे बूढ़े हो गए, है ना, बूढ़े हो गए, 80 साल के हो गए, या मान लीजिए उनका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किसी अननेसेसरी कॉन्टेक्ट किसी भी सरफेस से किसी भी पर्सन से अवॉइड करना है। अब जैसे सिर के ना चढ़े, ठीक है, अब जैसे कहीं पर गए तो ऐसे अननेसेसरी जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ सरफेस टच नहीं करना है, क्योंकि टच से भी ये फैलता है। और मान लीजिए कि अगर आपने टच सैनिटाइजर रखना है, सैनिटाइज जैसे भी आपने टच कर लिया, सैनिटाइजर चलते हो सब लोग घटने के पहले, बहुत सब सैनिटाइजर के नाम ही नहीं सुने थे पहले। का प्रयोग तो करना ही करना है, क्योंकि वायरस जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सावधानियां बरतनी,
यही हम लोगों का बचाव हो सके। तो सबसे पहले सावधानी जो सुमेर सागर ताल कि 7 एकड़ से अधिक जमीन को भू माफियाओं द्वारा मिट्टी पाट कर मोटी रकम लेते हुए बेच दिया गया था। अब प्रशासन हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अवैध तरीके से खरीदे गए प्लॉटों को खाली करा रही है। कुछ प्लॉट खरीदारों को आपत्ति है कि हम काश्तकारों से अपने प्लॉटों को आवास हेतु सरकारी शुल्क देते हुए रजिस्ट्री करा दिए। बैठक में सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, नायब तहसीलदार पिपराइज सुमित सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्तार आम है, किसी ने लिख दिया और उसमें लिखने का ना उसकी चौथी से ही चौथी मान लीजिए अगर उन्होंने विक्रय किए हो, या जो है मुख्तार आम ने कोई चौहत्ती निर्धारित सरकार की छुट्टी है सरकार के पास है। अब इतना ये देख लीजिए अगर इसमें से कौन है ऐसे जिन्होंने सीधा खेवड़दार से लिखवाया बताइए आप। 10 इसका बराबर ये भी 1.5 में इन लोगों का हिस्सा बराबर है सबका सबका राम सेवक दास और रामदास टूका प्रसाद ये टूका इतने तो जमींदार अब इसमें कुछ मरे होंगे कुछ वरासत हुई होगी अब कुछ विक्रय किए होंगे जो विक्रय किए गए जरा पढ़ के सुनो। सैयद सलार मसूद गाजी उर्फ बाले मियां के पर्व की तैयारी जोरों पर है। जेठ माह के पहले रविवार को बाले मियां के विवाह की रस्म अदायगी हुई। अकीदतमंदों की भीड़ को देखते हुए आस्थाने पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। मान्यता है कि बाबा के आस्थाने पर सच्चे दिल से मांगी गई मन्नतें जरूर पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ सभी धर्मों के अकीदतमंद बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। आप हजरात मस्जिद के चलने का ख्याल करें, खाली हाथ ना जाए, ये चंदा इसी दरगाह शरीफ के मस्जिद के काम इसी के काम के लिए मीडियाकर्मियों से बात करते हुए स्थानीय के खादिम मोहम्मद इलियास व अकीदतमंद मुन्नी ने बताया। मियां की रस्म यही है कि लोग आते हैं, गागर है, चादर है, सिरनी सलवात अपना चढ़ाते हैं, लोग मुरादे मन की पाते हैं और जो भी बाजीन बेटा पाती हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, लंगड़े लूले चरक वाले कोड़ वाले भी यहाँ ठीक होते हैं बाबा के वहाँ, यही सब है। आज उनका शुभ ब्याह रखा जाएगा 17 मई तक आपको अंतिम मेला। मेला कब है? मेला 17 मई को। 17 मई को है। यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? दूर दूर के लोग आते हैं, बस पूरे पूर्वांचल के लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो चने की फलियाँ चढ़ाई जाती है, हाँ, क्या इसका मतलब है? ये चने की दाल, नया जो चने का दाल है चढ़ाया जाता है यहाँ पे, पहला फल भी चढ़ता है जैसे आम वगैरह, खीरा खरबूजा ये सब भी चढ़ता है यहाँ पे। लगन है गाजी मियां का। गाजी मियां का लगन, हाँ। तो विवाह कब पड़ता है? विवाह ये 1.5 महीने का 2.5 महीने का पड़ेगा, जून में पड़ेगा, जून में पड़ेगा ये मेला। अब डेट फिर हमको नहीं पता है डेट कब। अभी क्या मानता है यहाँ का? मान्यता यही है कि मतलब मान्यता तो मन्नत पूरा हो जाएगा, मन्नत पूरा होता है। लोग दूर से आते हैं, आशा रखते हैं कि हमारा ये मन्नत पूरा हो जाएगा, बहुत लोग आशा लगा के आते हैं। ऑल इंडिया
BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन चित्रगुप्त मंदिर में संपन्न हुआ। द्विवार्षिक अधिवेशन के माध्यम से सरकार से मांग की गई कि सभी पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन तथा मेडिकल सुविधा सातवें वेतन आयोग के अनुसार रिवाइज किया जाए। द्विवार्षिक सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पेंशनर उपस्थित रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सर्कल सेक्रेटरी जेएन दुबे व एपी श्रीवास्तव ने बताया। और हम लोग की मुख्यतः मांगे पेंशन रिवीजन का ही है, जो कि काफी दिनों से पेंडिंग है। इसके साथ में मेडिकल बिल का भुगतान काफी विलंब किया जा रहा है सरकार द्वारा बिना किसी कारण के। वो दोनों मुख्यतः मांगे हैं। ऐसे तो मांगे हमारी 6-7 मांगे हैं टोटल। इन दो बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अभी जल्दी ही 27-28 मई को यहाँ पे गोरखपुर में CWC होने वाली है, राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, जिसमें पूरे भारत से लोग यहाँ पे आएंगे। और ये अधिवेशन पहली बार शायद यूपी में हो रहा है और उसके लिए गोरखपुर को चुना गया है। तो 27-28 मई को यहाँ पे अधिवेशन होगा, उसमें और इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? आज के इस कार्यक्रम में लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिवेशन है। तो लखनऊ, कानपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, देवरिया आदि, गोंडा बस्ती, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं। तो सभी लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। काफ़ी उत्साह हुआ है उन लोगों को देख के यहाँ पे। अब हम लोग को ये मांगे यहाँ पे चार्ट करके, अब हम लोग की जो मुख्य तैयारी है, जिससे कि हम लोग वहाँ पे दिल्ली में जो लड़ाई की जाएगी, जो यहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, उसमें ये प्रमुख तरह से ये मांगों को उठाकर उसके बारे में एक हम लोग एक्शन एक तैयार करेंगे कि क्या करना है, किस तरह से ये हम लोग को मीट आउट हो। मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय है, तो पूरे प्रदेश स्तर पे चलाया गया, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में चला। चलने के बाद में हम लोगों ने प्रधानमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण में लाने के लिए पोस्ट कार्ड भेजा। सारे जो पेंशनर्स थे, सभी लोगों ने पोस्ट कार्ड भेजा कि आपका मैं ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ कि हमें पेंशन रिवीजन। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू? इस घर में मेरी वैल्यू तो। थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H, अलग ही व्यू। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आगे देखते हैं दिन भर। बहुजन समाज पार्टी के जनक व बहुजनों के मसीहा
मान्यवर काशीराम के 86वें जन्मदिवस के अवसर पर पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ताओं ने दीवानी कचहरी स्थित अंबेडकर चौराहे पर अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष मान्यवर काशीराम के जन्मदिवस को मनाया। वहीं पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ताओं ने मान्यवर काशीराम के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ता सुरेंद्र गौतम ने बताया, ये मान्यवर काशीराम साहब का जन्म जयंती है जो बसपा के संस्थापक थे, बाम से DS4 के संस्थापक थे, उनका आज 86वां जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं अम्बेडकर चौक पर। मान्यवर साहब का जो विचार था बहुजनों के उद्धार के लिए, बहुजनों को शासक बनाने के लिए, उसके उनके विचारधारा को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और मान्यवर साहब का आज जन्म जयंती मनाकर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि मान्यवर साहब के विचारधारा को हम लोग जैसे भी हो तन मन धन लगा के मान्यवर साहब के विचारधारा को हम फैलाने का काम करेंगे। गोरखपुर के राजेंद्र नगर के रहने वाले पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह ने गोलघर काली मंदिर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि वो गोरखपुर के एक युवा पर्वतारोही हैं जो कि नेशनल स्पोर्ट्स कैलेंडर में हैं, जिन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश स्कॉट कांगड़ी पहाड़ जो कि लद्दाख में है वहां से ये संदेश दुनिया भर के लोगों को दिया था। अब अगला टारगेट विश्व के 7 महाद्वीप के सारे ऊंचे पर्वत को फतह करना है, जिसमें से एक अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो तंजानिया में है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है, जो कि एक वैल्कनिक पर्वत है। इस बार किलिमंजारो पर्वत पर भारत का झंडा लगाने के साथ ही 2 नेशनल रिकॉर्ड बनाना है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए युवा पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह ने बताया, मैंने अभी पिछले साल ही किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और मैं पर्वतारोही भी हूँ और मैं नेशनल भी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में खेला है। 2018 में माउंट एवरेस्ट भी गया था और एवरेस्ट के बेस कैंप से मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया था और उसके बाद मैंने लद्दाख का स्टॉक कांगड़ी पीक क्लाइंब किया है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रैकेबल पीक है और फिर उसके बाद मैंने मीराथांग ग्लेशियर जो कि अरुणाचल प्रदेश का है 2019 में उसे भी क्लाइंब किया था और मैंने नेशनल खेला स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में और उत्तर प्रदेश को भी रिप्रेजेंट किया है और अभी मैं एक रॉक क्लाइंबर भी हूँ और अभी मेरा एक टारगेट है कि मैं 7 समिट जो कि विश्व के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके हाईएस्ट पीक को क्लाइंब करूँ, तो उसमें से सबसे पहला मेरा अभी माउंट किलिमंजारो है जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसको मैं क्लाइंब करने जा रहा हूँ और उसकी हाइट है 5,895 मीटर जो कि वहाँ पे मैं 2 नेशनल रिकॉर्ड बनाऊँगा और सब कुछ अच्छा रहा तो सब अच्छे से ही होगा जो मैं अप्रैल के महीने में करूँगा उसे क्लाइंब और वहाँ से मेरा प्लान है कि मैं जितना भी सोशली हो सके कि अगर मैं लोगों को जागरूक कर सकूं, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है तो उसे भी प्रमोट करने के लिए मैं रेडी हूँ। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के ब्रह्मपुर ब्लॉक में स्थित राजधानी गांव में उत्तर पूर्व सिवान पर एक टाटा नैनो गाड़ी में शनिवार की देर शाम अचानक आग लगने से धू धू कर कार जलने लगी। वहीं वाहन स्वामी का दावा है कि गाड़ी में रखा जरूरी सामान जलकर खाक हो गया। मोबाइल कहाँ मिली?
जाए तो मत जा, मत जा, छोड़ दो। आगे ये पूछा है। खाली नीचे रख ले तो पूरा पकड़ ले। पूरा पकड़ ले ना भाई। आगे ये थोड़ा बड़ा मत हो। चला उस दिमाग फेर दे लो। वैसे कोनो घटना घट लगी ना। अच्छा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वाहन स्वामी धीरज कुमार मौर्य ने बताया, जोर दवा का काम है और हमारे भतीजा मार्केट में गए थे, होलसेल का भी काम है और गाड़ी से उधर मार्केटिंग करके लौट रहे थे। नई बाजार से जब आए हैं अपने जगह की तरफ, बलगट्टा पुल के नीचे शॉर्ट सर्किट की वजह से पीछे से आग लगी और आग लगने के बाद ये चलते रहे। कुछ लोगों ने देखा, चिल्लाने के बाद लोग बताएं तो गाड़ी जैसे उतरे तो उस समय गाड़ी बिल्कुल, कौन सी गाड़ी थी, कितनी क्षति हुई, कुछ सामान वगैरह भी था जरूरी? हाँ, जरूरी सामान था उसमें, कुछ अपना है, कुछ डॉक्यूमेंट था, पेपर था, बीज दवा था। गाड़ी हमारी टाटा की नैनो थी। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे मंडल स्तरीय प्रथम कादरी गोल्ड 7A साइड सीनियर व सब जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग का पहला सेमीफाइनल मैच MK स्पोर्टिंग देवरिया और मौलाना आज़ाद हायर सेकेंडरी स्कूल गोरखपुर के बीच खेला गया, जिसमें मौलाना आज़ाद की टीम ने देवरिया को टाई ब्रेकर के माध्यम से 12-13 के अंतर से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का पहला सेमीफाइनल मैच कादरी क्लब गोरखपुर और बाबा स्पॉट इन गोरखपुर के बीच खेला गया, जिसमें कादरी क्लब की टीम ने बाबा स्पॉट को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में मेजबान गोरखपुर सहित देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज से कुल 20 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सीनियर वर्ग से 11 और सब जूनियर वर्ग से 9 टीमें शामिल हैं। इस दौरान प्रतियोगिता के आयोजक बादशाह आलम, संयोजक NP गौंड, रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की हॉकी प्रशिक्षक नेहा सिंह, शालिनी विश्वकर्मा, सहयोगी रिजवानुल्ला, RP विश्वकर्मा सहित खेल प्रेमी उपस्थित रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रतियोगिता के संयोजक NP गौड़ ने बताया, कादरी गोल्ड कप 7A साइड हॉकी प्रतियोगिता मंडल स्तर पर खेली जा रही है। इसमें सीनियर वर्ग की कुल 11 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और सब जूनियर वर्ग में कुल 9 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। ये खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए एक प्रयोग है, क्योंकि प्रतियोगिताओं का अभाव है, बहुत सारे प्रायोजक क्रिकेट में मिलते हैं, हॉकी के लिए हमारी समस्या है और किसी तरह हम लोगों ने इस व्यवस्था को बनाया है कि ये आयोजन करके बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और हॉकी खेल का विकास होगा। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।